आंखों को खुश करने के लिए तो दरवाजे की दरार से नहाती हुई महिला को देखता है। यह वास्तव में बहुत जल्दी बड़ा हो गया है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले चलना भी नहीं जानता था, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। अंत में खड़ा हो जाता है, अगर यह ठीक है तो दो कदम चले, गिरता है फिर उठ जाता है। एक बच्चे की तरह सड़क पर बिच्छू को देखकर यह लुढ़क जाता है। बिच्छू एक नमूने में बदल जाता है। इस प्लास्टिक की बोतल को देखकर टायर जांच करता है, देखता है कि कुछ नहीं होता, उसके ऊपर से दौड़ता है, फिर आगे बढ़ना जारी रखता है। अचानक एक कांच की बोतल ने रास्ता रोक दिया। यह प्लास्टिक की बोतल की तरह है, लेकिन अचानक से इसका सामना बहुत मुश्किल से हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे कुचलने की कितनी भी कोशिश की जाए, फिर भी यह ठीक है। इससे टायर डगमगाते हैं और कम आवाज वाला शोर होता है। अचानक बोतल टूट जाती है, फिर टायर आगे की ओर हो जाता है। रास्ते में उसे एक टिन का डिब्बा मिलता है। एक बार फिर दिखावा करने की कोशिश, टिन के डिब्बे को टुकड़ों में तोड़ने का कारण बनता है। रॉबर्ट रेगिस्तान में एक अलग अस्तित्व है। रास्ते में उसे प्यास लगती है तो वो गड्ढे में थोड़ा पानी पी लेता है। यह घूमता है और एक खरगोश देखता है, बदतमीजी से देख रहे हैं, इसलिए यह फिर से डींग मारने की आवाज करता है, जिससे खरगोश मुस्कुराता है। रास्ते में रॉबर्ट उम्मीद करता है कि देवताओं का त्याग हो जाएगा, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो सावधान नहीं हैं, जो ऐसे बेरहम टायर को भड़काता है। सड़क के किनारे खड़े होकर उसे एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। लगता है प्यार हो गया, इसलिए यह जल्दी से पुराने तरीके का उपयोग करता है। लड़की की कार अचानक रुक जाती है। उसने कई बार कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं आया। इस समय रॉबर्ट खुशी खुशी कार की तरफ दौड़ता है। आने पर अचानक पीछे से एक कार आती है, चालक मुड़ता है, सीधे टायर को उड़ा देता है। इससे रॉबर्ट का कार का डिस्क लगभग फट गया, लेकिन लड़की की कार फिर से चालू हो गई और बहुत आगे निकल गई। अब यह अपनी पत्नी को खो देता है और टूट जाता है, लेकिन सड़क के किनारे छोटी चिड़िया आती है और उस पर हंसती है। यह पक्षी को उसी तरह मरने के लिए फिर से आवाज का उपयोग करता है। जो अन्याय का बदला नहीं लेता वो सज्जन नहीं है। इसलिए रॉबर्ट उस बूढ़े आदमी को ढूंढता है जिसने उसे गैस स्टेशन पर मारा था। बूढ़े ने टायर की ओर देखा और महसूस किया कि उसने इसे कहीं देखा है। इस समय रॉबर्ट देखता है कि बूढ़ा उसे गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन उससे ठीक पहले उसने उसे मारा और भाग गया। इसलिए वो सीधे अपने डींग मारने वाले जादू का इस्तेमाल करता है कार में बैठे बूढ़े को मारने के लिए। हालांकि यह पहली बार है जब रॉबर्ट ने किसी की हत्या की है, लेकिन यह घबराता नहीं है, आज भी शान से चलता है। लाल स्पोर्ट्स कार चलाती हुई सुंदरता का पीछा करता है। यह पहिया बहुत चालाक है। होटल के बाहर से नहाती हुई की सुंदरता को निहारता है, लेकिन अभी भी पता चलता है टायर शरीर की सफाई पर ध्यान दे रहा है कि लड़की कुछ समय पहले सड़क पर गुजरी थी, लेकिन सफाई कर्मियों की नज़र इस पर है। इसे बेरहमी से दरवाजे से बाहर निकाल दिया जाता है, धूल से ढका हुआ है, लेकिन यह अभी स्नान करना समाप्त कर दिया तो रॉबर्ट वापस कमरे में चला जाता है। हम उस सफाई कर्मचारी के अंत की कल्पना कर सकते हैं। खत्म करने के बाद रॉबर्ट खुशी खुशी स्विमिंग पूल में सुंदरी की तलाश में जाता है, लेकिन सुंदरी रॉबर्ट को नोटिस नहीं करती है। इस समय रॉबर्ट जागने के लिए स्विमिंग पूल में लुढ़कता है, क्योंकि यह प्यार से अंधा हो गया है। इस समय एक आदमी सफाई कर्मचारी को देखता है। पुलिस आनन फानन में मौके पर पहुंचती है। आदमी का कहना है कि हत्यारा वो टायर है जो पानी के नीचे है, क्योंकि उसने सिर्फ टायर देखा खुद को कमरे में घुमाता हुआ। पिता नाराज हैं, बेटे से कहता है कि अब बकवास मत करो। गुस्साया लड़का टायर को ऊपर खींचने के लिए सीधे पानी में उतर जाता है। बाप कहते हैं कि यह टायर अपने आप कैसे चल सकता है। लड़का कहता है शायद अब सो रहा है। पिता को इतना गुस्सा दिलाते हैं कि उन्हें दिल का दौरा पड़ता है। फिर वो झट से टायर फेंक देता है, लेकिन वो नहीं जानता कि उसने कुछ ऐसा छुआ है जिसे उकसाया नहीं जाना चाहिए। इसके बाद दोनों पूल के पास बातें कर रहे हैं, लेकिन बात करने की आवाज़ रॉबर्ट के लंच ब्रेक को प्रभावित करती है, तो यह जादू का प्रदर्शन करता है जो आदमी को डराता है। रॉबर्ट ने अपनी सेल्फ ड्राइविंग यात्रा जारी रखी। कांच का एक शीशा देखता है, इसे गिलास में महसूस करता है। इस सड़क पर सबसे सुंदर लड़का है, प्यार में पड़ने का यह सही समय है, लेकिन अब वो आदमी इसके पीछे दिखाई देता है। रॉबर्ट से पूछता है कि क्या वो बोल सकता है। जल्दी करो और अपने आप को पुलिस के हवाले दे दो, पुलिस तुम्हें जाने नहीं देगी। इस समय रॉबर्ट का ईमानदार दिल बहुत बड़ा है, यह जादू का उपयोग नहीं करता है। यहाँ तक कि जब आदमी उस पर कैन फेंकता है, यह गुस्सा भी नहीं है। हत्यारे की पहचान के लिए एक टायर वास्तव में उतार दिया गया है। यह शख्स पुलिस को बताता है कि हत्यारा ऐसा दिखता है, लेकिन पुलिस सोचती है यह व्यक्ति पागल है। इस समय लड़का दौड़ता है, उन्हें टायर किलर की दिशा बताता है। यह टायर बेहद क्रूर है। रास्ते में पुलिस की गाड़ियां उसका पीछा करती हैं। रॉबर्ट रुकता है, घूमता है, क्या चल रहा है। स्पष्ट रूप से रॉबर्ट माता पिता नहीं है जो बच्चे के अभ्यस्त हैं। दो लोगों को मारने के लिए जादू का इस्तेमाल करता है, फिर रॉबर्ट आगे बढ़ना जारी रखता है।
इसका टारगेट है टायर फैक्ट्री, क्योंकि वहां कई खूबसूरत और सिंगल फीमेल टायर्स हैं, लेकिन यह पूरी तरह से इसकी उम्मीद नहीं करता है। लोग बेरहमी से टायर जला रहे हैं। रॉबर्ट का प्यार लाल लपटों से निगल लिया लगता है और घने धुएं में ढक जाता है। रॉबर्ट गुस्से में है, वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो सड़क पर हर जगह लोगों को गोली मार दी गई। रॉबर्ट किसी के घर में टीवी देख रहा है। पुलिसकर्मी को इसका पता चलने के बाद वह एक पुतला जाल के बारे में सोचता है। वो बम बांधता है, एक छोटा स्पीकर जोड़ता है। पुलिसकर्मी दरवाजे की घंटी बजाता है और भागने के लिए मुड़ता है। इस समय रॉबर्ट अस्पष्ट रूप से बाहर निकलता है। कार में बैठी लड़की माइक्रोफोन में गुस्से से भरे शब्द कहती है। उसके शब्द पुतले पर छोटे स्पीकर के माध्यम से प्रसारित होते हैं, लेकिन आदमी सोचता है कि लड़की जो कहती है वो काफी क्रूर नहीं है, तो वो माइक्रोफोन लेता है। मैं एक बहुत। रॉबर्ट ने अभी अभी उस आदमी की आवाज सुनी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मूर्ख बनाने की? यह पुतले के सिर को विस्फोट करने के लिए जादू का उपयोग करता है, लेकिन बम नहीं फटा। चलो इसे विस्फोट करते हैं। पुलिसकर्मी इसे और नहीं बर्दाश्त कर सकता, बंदूक लेता है और सीधे घर में चला जाता है। जैसे ही वो प्रवेश करता है, वो कुछ शॉट फायर करता है, फिर टायर के शव को बाहर निकालता है। आपको लगता है कि यह सब पहले ही खेल खत्म हो चुका है? एक तिपहिया साइकिल धीरे से घर के अंदर से निकल जाती है। हाँ, यह रॉबर्ट की आत्मा का पुनर्जन्म है, जो साइकिल में बदल गया है और अभी भी अपनी कहानी लिख रहा है। फर्क ये है कि यह अब अकेले नहीं लड़ती, लेकिन इसके पीछे कई टायर भाई हैं। इस स्वच्छ शरीर से हम नहीं जानते कि वे आगे क्या करेंगे। जिसके बारे में बोलते हुए सब कुछ मजाक सा लगता है। मुझे नहीं पता कि निर्देशक क्या करना चाहता है, लेकिन वैसे भी मुझे पता है कि टायर जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होगा।